हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सुधीर पांडे, आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन प्लीज़, जिसमें हम आपको जो है बायो के टॉप 10 पॉइंट्स याद करवाएंगे रिमेंबर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। बिल्कुल हो रही होगी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। तो चलिए हम लोग आज जो है अपना स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर, पॉइंट टू बी रिमेंबर, मतलब 10 ऐसे क्वेश्चन जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे बैंक हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे UPPCS, चाहे MPPCS, चाहे BR PCS ना, तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जो है ईजी क्वेश्चन होते हैं, जो सामान्यतः हम लोग जो है भूल जाते हैं टाइम पे, तो हमको क्या है उसको याद रखना है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, उस आपको कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर करिए। तो हम लोग आज ये तीसरा होगा उस पर वीडियो, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पुराने दो वाले भी देख लीजिए। और ये आपके जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए होते हैं, पटवारी से लेकर के, ठीक है, आपको टीचिंग के लिए, GT के लिए, PGT के लिए, और UPTET अन्य जगह, और नीट में तो स्पेशली पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे। आज लाइट बड़ी अच्छी मिल रही होगी क्योंकि अभी पूरा जो है दिन है पूरी तरीके से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, देखते हैं कि आप ही, हम लोग कल बात किए थे कि सबसे बड़ी मसल क्या होती है, तो बड़ी का नाम तो ग्लूटियस मैक्सिमस था, सबसे लंबी क्या होती है सर्टोरियस था, लेकिन ह्यूमन फीमेल में एक ऐसी मसल पाई जाती है जो उस समय सबसे ज़्यादा बड़ी रहती है, तो हम क्या कहेंगे ह्यूमन फीमेल, मतलब महिलाओं में महिलाओं में पाई जाने वाली क्या है मांसपेशी, महिलाओं में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे, आप याद रखिएगा, सबसे बड़ी क्या है मांसपेशी, आपको याद रखना है मांसपेशी ना, सबसे बड़ी मांसपेशी, और कब, इसीलिए कहते हैं कि वीडियो देखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको जो पॉइंट्स लिखे हैं वो तो लिखी किताब में ही मिल जाते हैं, लेकिन उसका क्लियर नहीं दिया रहता कि उसका क्लियर विजन क्या है, कब, सबसे बड़ी मांसपेशी क्या है, प्रेग्नेंट यूटेरस। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गर्भवती महिला का गर्भ, देखिए बहुत अच्छा हिंदी में लिख पाते हैं, गर्भवती महिला का गर्भाशय, गर्भवती महिला का क्या है गर्भाशय, गर्भाशय, इसको आप जरूर याद रखिएगा कि गर्भवती महिला का गर्भाशय, जो गर्भवती महिला का गर्भाशय होता है, मतलब जब महिला प्रेग्नेंट है तब की बात हो रही है, तो वो सबसे बड़ी मसल होगी किसमें, फीमेल में, नहीं तो ग्लूटियस मैक्सिमस ही सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। इस पर ध्यान रखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स एक बार जो है PDF में देंगे और पूरी तरीके से जो है बोल के कॉपी में लिख के, तो आप देखते रहिएगा कि हमेशा सबसे ज़्यादा यही है। तो हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं कि आइए देखते हैं थोड़ा कुछ
और भी जनरल बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है, लिखते हैं कि सबसे बड़ी आंख, सबसे बड़ी आंख किसकी होती है ना, सबसे बड़ी आंख अब किसकी होती है ये नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको बोल चुके हैं सबसे बड़ी आंख किसकी होती है, तो आप कहेंगे डियर की। नहीं, डियर की सबसे सुंदर आंख होती है, सबसे बड़ी आंख किसकी होती है, हॉर्स की, किसकी, घोड़े की। सबसे बड़ी आंख किस में पाई जाती है, घोड़े में, घोड़ा ना, घोड़े की सबसे बड़ी आंख किस में, घोड़े की, जिसमें हम क्या कहते हैं, हॉर्स, क्या है, हॉर्स की सबसे बड़ी आंख होती है। अब आते हैं सबसे अच्छी आंख किसकी पाई जाती है, सबसे अच्छी आंख, ये चाहते तो आपको जो है एक नोट बना के सीधे उसमें दे सकते थे, लेकिन देखिए जो ये बोर्ड में लिखने का मजा है और जो इसके साथ पढ़ने का मजा है, जो इंटरेस्ट पैदा होता है, वो जो है ऐसा नहीं कि एक प्रिंट आउट निकाले और उसमें लिखा रहे और सीधे पन्ना पलटते चले जाए, आपको दिखाते चले, देखिए ये होता है, ये होता है, ये होता है ना, 3D में दिखाएं, उसमें दिखाएं, बोर्ड में दिखाएं ना, कि देखिए प्रोजेक्टर से नहीं, जो लिखते वक्त अच्छा आनंद आता है, जो आपको उस समय पढ़ते वक्त आता है, तो आपको लगता है कि हम उस समय पढ़ रहे हैं, नहीं तो होता कि यार किताब ही तो पढ़ रहे हैं, किताब में ही इतना इंटरेस्ट होता तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए कहते हैं NCERT में अपना इंटरेस्ट जो है जगाइए। तो आइए देखते हैं कि सबसे अच्छी या किसकी होती है, आपको पता है ना, हिरन की, क्या है, ही हिरन, ही रन, हिरन मीन्स डियर, डी डबल ई आर, सबसे अच्छी आंख और सबसे बड़ी आंख में अंतर जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए जिसको नोट करना है आप नोट कर लीजिए, हम और बड़े पॉइंट्स में चलते हैं कि हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हम आते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, मतलब शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, आपको याद रखना है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग क्या होता है, आपको पता है कि हमारी स्किन, मतलब हमारी क्या है, त्वचा, स्किन मीन्स त्वचा, यही त्वचा जो हमको ऊपर से पूरी तरीके से ढके हुई है, ये हमारी जो त्वचा है, देखिए वही एक त्वचा पूरे से लेकर के ना यहाँ फोरहेड, माथे से लेकर के पूरा सर की चोटी से लेकर के पैर के घुटने तक जो है वही एक त्वचा है, और इसीलिए वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, आप रखिएगा याद, स्किन मतलब हमारी जो त्वचा है ना, बहुत ही अच्छा काम करती है, ये एक अंग है। अंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाथ की, पैर की, किडनी की, लीवर की, आंख की, नाक, ये भी हमारा स्किन भी हमारा, आज सुन लीजिए, अगर नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए, जिसको पता है उसकी तो अच्छी ही बात है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको ये आज याद हो जाना चाहिए कि स्किन हमारा त्वचा ही क्या है, सबसे बड़ा ऑर्गन है, और कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक। और ये क्या करता है, मेन काम इसका तो प्रोटेक्शन का है, हमको सुरक्षा प्रदान करता है, सबसे बड़ा ऑर्गन आप जरूर याद रखिए। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं, हमारे पास क्या है, आते हैं कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ऑर्गन, मतलब हमारे पास सबसे बड़ा अंतस, सबसे बड़ा, अगर अंदर की बात पूछ लिए दूसरा क्वेश्चन बदल दिए तो सबसे बड़ा ना, अंतःस्रावी इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों का श्रावण करता है ना, हार्मोन्स वगैरह का, सबसे बड़ा अंतःस्रावी, एंजाइम्स वगैरह का, सबसे बड़ा अंतःस्रावी अंग क्या है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, हमारा एलिमेंट्री कैनाल मतलब आहार नाल, आहार नाल,
और आहार नाल अगर नहीं दिया रहेगा, अगर आहार नाल नहीं दिया रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत, छोटी आंत, अगर ये दोनों दिया रहेगा, सुनिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे नहीं लिखे जा सकते, इसीलिए लेक्चर सुनना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए क्लास करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए ये बोर्ड पे लिख के कि ताकि चीज़ों को आधा इस तरीके से समझाया जा सके। वो तो 40% है, 60% तो ओरल तरीके से मौखिक ही समझाया जाता है। तो प्लीज़ भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है पूरा देखिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम और भी अच्छा और भी बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे बड़ा अंतःस्रावी अंग मतलब हमारे पास आहार नाल होता है, और यही पे देखिए लिख दे रहे हैं कि अगर आहार नाल और छोटी आंत दोनों है, क्योंकि आहार नाल का ही एक भाग है वो छोटी आंत, तो हम क्या करेंगे, छोटी आंत पे मोस्ट सुटेबल ये है, तो छोटी आंत पे आप टिक करिएगा, छोटी आंत पे ही आप टिक करिएगा, ठीक। तो चलिए जिसको ये नोट करना होगा नोट कर लेगा, हम आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, और वीडियोज को भी जो है क्या करिया करिए, पॉज करके आप उसको नोट कर लिया करिए जिसको जरूरत हो, नहीं तो आप बार बार देख के भी पढ़ सकते हैं। चलिए हम इसको हटाते हैं, अब अपने आगे के पॉइंट्स पे चलते हैं। आपको डेली डेली 10 पॉइंट्स मिलेंगे, अभी तो हम याद नहीं करवा रहे हैं, याद करवाना शुरू कर देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ऐसे ही किया जाता है। कोई भी चीज़ जब आप बार बार प्रोनाउंसिएशन उसका करेंगे तभी वो आपको आएगी। थ्री इडियट्स वाले फुफ्फुस बांगड़ू मत बनिएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ऐसा आपने कभी देखा है क्या, क्लास मत करिए, जो आपकी सिलेबस की बुक है वो बुक मत पढ़िए, जो डिफिनीशन में और जो थ्योरी बताई गई है उसको मत याद करिए, और अपना ही जो है सीधे कर दीजिए। ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, और अभी आप ऐसा कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इसका एग्जामिनर या तो फिर आप उसी मस्त मोहल्ले में रहिए कि चाहे जो भी हो हमको वही करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपका गलत काट देगा। देखिए पढ़ने के 3-4 होते हैं, आप लोग थोड़ा सुन लीजिए, या तो आप जो बताया गया है या जो बताया जाता है उसको पढ़ लीजिए, ये नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ जो अन्य टीचरों ने, अन्य बड़े बड़े टीचरों ने और जो साइंटिस्टों ने जो थ्योरी दी है, जो चीज़ें लिखी हैं, जो कंसेप्ट में है, जो सिलेबस में है, मैं वो बता रहा हूँ जो बुक में है। दुनिया का कोई भी ऐसा टीचर नहीं होता जो बिना बुक के पढ़ाता हो, बिना वो कहाँ से पढ़े भैया, कहीं ना कहीं बुक से ही तो पढ़े हैं, उनको किसी ने पढ़ाया था उसके बाद वो अब आपको पढ़ा रहे हैं, हमको किसी ने पढ़ाया उसके बाद हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो परंपरा ये चली आ रही है। कोई ऐसा नहीं होता कि हम बैठे थे तपस्या कर रहे थे और हमको आ गया हम पढ़ा रहे, भाई किसी का नहीं, मेरा खुद का अपना है, अपना खुद का कुछ नहीं होने वाला है और ना कुछ होता है। दूसरा जो है, अगर अपनी थीसिस भी कोई PhD वाला लिखता है तो कई लोगों की पढ़ के उसके बाद अपनी थीसिस वो देता है, तब अपने विचार देता है, किसी सूत्र में किसी फार्मूले में संशोधन होता है तो पहले पुराने वाले का देख लेता है उसके बाद अपना देता है कि उसमें ये से ऐसा कर देना चाहिए। डायरेक्ट किसी को खुद ब्रह्मा जी आके या गणेश भगवान सरस्वती मैया नहीं देते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो यही मेथड है कि या तो आप क्या करिए, पढ़ लीजिए जो बताया जाता है, या तो खुद से डिस्कवरी करिए और डिस्कवरी करते रहिए, डिस्कवरी करते रहिए, ठीक। टाइम निकल जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, फिर डिस्कवरी होने में बहुत टाइम लग जाएगी। और सबसे कह रहे हैं कि 100% NCERT पढ़िए, किसी भी एग्जाम के लिए आप 6th से लेकर फिर 12th तक की NCERT पढ़ लीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता, NCERT के सिवा कुछ भी नहीं, सारी चीजें NCERT से उठा उठा के ही रखी जाती हैं।
और मैं भी बुक ही पढ़ता हूँ, सारे लोग बुक ही पढ़ते हैं, आप कितने भी बड़े प्रोफेसर के साथ चले जाइए वो तो हाथ में भी लिए रहते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि वही चीज़ें आपको जो है पहले सॉल्व करके पूरा वो करके दिखाएं। खुद से अब ई बराबर एम सी स्क्वायर है आइंस्टीन का, आप पहले उसको खुद से प्रूफ करिए फिर मानिए, या तो ई बराबर एम सी स्क्वायर मान लीजिए, और आप कितको प्रूफ करते करते नहीं, आप जो सोचते हैं कि इतना छोटा सा फार्मूला है आ गया है, वो ऐसे थोड़ी ना आ गया है, न जाने कितने उसमें पेज खराब हुए, न जाने कितना मेहनत लगी, न जाने कितने साल लगे, तब जाके हमको जो डेरिवेशन दिया जाता है हमको वो बहुत छोटा सा होता है। ठीक, तो चलिए आइए आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, आपको जनरल जो बहुत आप लोग याद करते हैं और वही चीज़ बता रहे हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, जैसे सबसे बड़ी मछली क्या कौन सी होती है, तो लोग बता देते हैं नीली वेल, सरासर गलत है, नीली वेल होता ही नहीं है, वो क्या है, मछली ही नहीं है, वो तो स्तनधारी है, वो मैमल्स है, सबसे बड़ा मैमल्स पूछें, सबसे बड़ा स्तनधारी पूछें तब आप नीली वेल बताएंगे, सबसे बड़ा जीव पूछें तब आप नीली वेल बताएंगे, सबसे बड़ा जंतु पूछें तब आप नीली वेल बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी मछली पूछ रहे हैं तो आप कह देंगे वेल नहीं, वो ग्रेट व्हाइट शार्क होती है, श्वेत शार्क, उसका नाम ही है ग्रेट व्हाइट शार्क। तो कौन सी मछली होती है, शार्क, वो मछली है, पानी में रहती है मछली जैसी है, उसका मतलब ये नहीं कि वो भी मछली है। आइए देखते हैं सबसे सबसे बड़ी मछली, बड़ी मछली याद रखिएगा, सबसे बड़ी मछली क्या होती है, ग्रेट व्हाइट शार्क, मतलब इसका नाम ही है ग्रेट व्हाइट शार्क, आपको हिंदी में लिख रहे हैं श्वेत शार्क, सॉरी श्वेत शार्क, जो सो स हो आप देख लीजिएगा, श्वेत शार्क होती है, वेल नहीं होती है। चलिए आते हैं, अब कहेंगे सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा जीव, सबसे बड़ा जंतु, या कहें सबसे बड़ा स्तनधारी, सबसे बड़ा स्तनधारी, तब इसको कहा जाता है नीली वेल, ब्लू वेल, क्या कहेंगे, आइए तब इसको कहेंगे नीली, क्या है, वेल, नीली वेल, ये मछली नहीं है, ये मछली नहीं है, ये ट्रू फिश नहीं है, फाल्स फिश है, क्योंकि ये मैमल्स है, स्तन धारी है। आते हैं हमारे पास सबसे बड़ा जीव तो भी नीली वेल, सबसे बड़ा जंतु तो भी नीली वेल, सबसे बड़ा स्तनधारी तो नीली वेल, ओवरऑल, ओवरऑल मतलब वो चाहे पानी में हो और चाहे क्या है भूमि पर हो, चाहे एयर में हो। अब आते हैं यहां पर कि सबसे बड़ा स्थलीय, स्थलीय सबसे बड़ा स्थलीय क्या है, स्तनधारी, स्तनधारी, तब आप कहेंगे क्या, हाथी, तब क्या कहेंगे, हाथी कहेंगे, तब क्या कहेंगे, हाथी कहेंगे, सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी, तब क्या होता है, आप उसको हाथी बताएंगे। मजा आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा और पक्का आएगा, चीजें ध्यान से बस देखिए। चलिए, जिसको नोट करना होगा नोट कर लेगा, हम जो है फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब स्तनधारी तो हो गया, सबसे बड़ा पक्षी आपको पता है, सबसे बड़ा पक्षी
वो चाहे कहाँ पे हो, कहीं भी, क्या है सबसे बड़ा पक्षी हमारा, क्या होता है ऑस्ट्रिच। सबसे बड़ा पक्षी क्या होता है? ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच। और कल ऑस्ट्रिच हम लोगों ने पीछे यही देखा था कि ऑस्ट्रिच का अंडा ही सबसे लार्जेस्ट सेल है। लार्जेस्ट मीन्स बड़ा, लॉन्गेस्ट मीन्स लंबा। वर्ड में हम लॉन्गेस्ट बोल रहे थे, लेकिन फिर बाद में हम जो है उसको लार्जेस्ट ही लिखे थे, बड़ा ही लिखे थे। तो सबसे बड़ी कोशिका अगर आपको बताना है कि, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, क्योंकि जो एग होता है वो सिंगल सेलुलर होता है, यूनि सेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। और अगर आपको ना पता हो तो आप लोग जो पूछते हैं, बहुत पूछा जाता है, सब पूछते हैं कि सबसे पहले मुर्गी आई कि अंडा आया, तो अब जरूर बताइएगा कि सबसे पहले मुर्गी आई थी। सबसे पहले मुर्गी आई थी, क्योंकि जब हमारा इवोल्यूशन हुआ था, हमारे विकास हुआ था, तो हम लोग क्या है, जिसको हेकेल का बायोजेनेटिक ला कहते हैं, उसमें क्या किए थे कि मदर के यूटेरस में जब हम लोग होते हैं तो अपने पूर्वजों की भांति जो है अपनी पुनरावृत्ति को बदलते रहते हैं। हेकेल का बायोजेनेटिक ला उसको कहा जाता है। उसमें मछली की तरह बनते हैं, मेंढक की तरह पहले बने, फिर मछली की तरह बने, तमाम चीज़ में पक्षियों का जैसा आकार आता है, फिर हुमन का आकार आता है। और सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इसका प्रूफ ये है कि अंडे में जो एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है वो मुर्गी में पाई जाती है। मुर्गी में होगी, वह किसी जीव में होगी, तब जाके वो अंडे में मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि पहले क्या आता है, पहले मुर्गी आती है, पहले अंडा बाद में आता है। उसके बाद वो तो डिवीजन हुआ कि अब वो विवीपेरस होगा कि ओविपेरस होगा, मतलब अब वो जो बना है वो अंडे देने वाले होंगे कि बच्चे देने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे बड़ा पक्षी आपको पता है शुतुरमुर्ग, मतलब क्या होता है ऑस्ट्रिच होता है। और इसमें एक पॉइंट और आपको नोट कर लेना है कि ना उड़ने वाला पक्षी, ऐसा पक्षी जो नहीं उड़ता है, ऐसा पक्षी जो नहीं उड़ता है तो है, और जैसे कि वगैरह हैं तो, लेकिन इसका बहुत यही ज्यादा आता है, न उड़ने वाला ऐसा पक्षी जो उड़ता नहीं, जो उड़ता नहीं, तो आप क्या कहेंगे, यही ऑस्टिच, मतलब शुतुरमुर्ग। OSTRICH क्या हुआ, ऑस्टिच, ऐसा पक्षी जो उड़ता नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑस्ट्रिच ही है वो। और आपको और भी फ्लाइटलेस बर्ड है, लेकिन ये ऑस्ट्रिच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बार बार पूछा जाता है कि वगैरह के बारे में उतना कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो हमारे पास एक पॉइंट और बचता है, अगर सबसे बड़ा पक्षी लिखे तो सबसे छोटा पक्षी भी लिख लिया है ना, तो ताकि आपको भले एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा है। आइए करते हैं, सबसे छोटा पक्षी या चिड़िया आप कहेंगे, जो पक्षी है वो वर्ड, बर्ड मतलब चिड़िया, तो सबसे छोटी चिड़िया ये हर जगह पूछा जाता है, सब जी के जी एस जैसा है। सबसे छोटी चिड़िया क्या है, हमिंग बर्ड, HUMMING, हमिंग बर्ड ना। देखिए जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा, हम बोलते रहे हैं HUMMING, हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड मतलब हमारे पास हमिंग, मेरे पास जगह नहीं है तो इस वजह से आप लिख लीजिएगा, हमिंग बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड है, सबसे छोटी चिड़िया है, सबसे छोटा पक्षी है। तो चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा और मुझे क्या करना चाहिए इस पे और क्या किया जा सकता है। तो कुल मिला के ये वीडियो जो है, आज 28 मार्च है और 2020, 28 मार्च 2020 का वीडियो है, और इस समय कोरोना का बहुत प्रकोप चल रहा है, इस वजह से कहीं बाहर आया जा नहीं जा सकता, तो ये वीडियोस घर की हैं। तो आपको फिर भी जैसा लग रहा होगा तो आप ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जो है अच्छे से घर पे ही बैठ के पढ़ाई करते रहिए। आपको ये तो केवल जनरल पॉइंट्स हैं, जनरल चीज़ें हैं,
आप देखना तो शुरू करिए अभी। आपको तो पूरी फिजियोलॉजी, पूरी एनाटॉमी, पूरा के पूरे बायोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री और पूरी फिजिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपको साधारणतः हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सन 2000 से लेकर के सन 2019 तक का पेपर देखने के बाद ही जो है इन सब क्वेश्चंस को उठाते हैं और देखते हैं कि यही बार बार पूछे गए, और आपको जनरली यही लोग भी आपसे आसपास के पूछते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए चलते हैं, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते।